इन्हों शहीदी जोड़ मेल दे विच नहीं पहुँचता, मैनू लगता वो बेभागा बंदा वो इस दुनिया का, क्योंकि पहला साड़ियाँ लड़ाइयाँ बाहरी दुश्मनों नाल सीगियां, हुण साड़ियाँ लड़ाइयाँ साढ़े अपने अंदरले दुश्मनों नाल हो गई, क्योंकि सानू ढा लाने वाले साढ़े अपने ज़्यादा ने। तुसीं वेख रहे हो द अनम्यूट, मैं रणदीप सिंह। श्री फतेहगढ़ साहब की पावन पवित्र धरती से साहबजादियां दे शहीदी जोड़ मेल मौके वड्डी गिणती विच संगतां दी आमद हो रही है, ते संगतां दे लई तरह तरह के लंगर लगाए जा रहे हैं। बहुत दूर दुराडे तो पहुंचियां होईयां संगतां लगातार साहबजादियां दे चरणां दे विच मत्था टेक के अपने आप नूं वडभागा समझ रहीआं ने। नाल नाल लंगरां दी तस्वीर दिखाउंदे आं, तुसीं देख सकदे हो इत्थे बीबियां भैणां दे वल्लों आई हुई संगत दे लई टिक्की का लंगर तैयार किया जाता है। लंगर की कोई कमी नहीं होंदी, हमेशा ही जदों ही कित भी जरूरत पैंदी है तो सिख कौम हमेशा ही लंगर लगाउण दे विच मोहरी कतारा दे विच आके खड़ी होंदी है, चाहे वह किसानी मोर्चा होवे जां कि दुनिया दे विच होर भी जरूरत पई, हड़ होण किसी भी मौके पर जरूरत पवे तो सिख हमेशा ही तैयार बर तैयार रहिंदे ने, गुरु के लंगर अटुट वरतदे ने। ये तुसीं देख सकदे हो लंगरां दे विचों ही टिक्की जिहड़ी है वह तैयार की जा रही है, छोटे छोटे बच्चे अमृतधारी छोटे छोटे बच्चे जिहड़े ने वो लगातार सेवा कर रहे हैं। सेवा ही सानू जिंदगी सिखाउंदी है, सेवा तो सिमरन सिक्खी के दो अंग ने जो गुरु साहब ने सानू सिख्या दित्ती है कि सेवा भी जरूरी है सिमरन भी जरूरी है। साडे नाल कुलबीर वीर जी मुश्काबाद वाले, तुसीं जानदे हो इन्हां नूं, जदों किसानी मोर्चा लगा सी किसानी संघर्ष के दौरान ये बॉम्बे जा पहुँचे सन, जिहड़े फिल्मों के विच असीं अदाकार देखते हैं, इन्हां ने उन्हां दे घरां दा भी घराओ किया इस करके कि वह किसानों के हकों के आवाज़ क्यों नहीं बुलंद कर रहे। अज श्री फतेहगढ़ साहब की उस पावन पवित्र धरती पर पहुंचे ने जिथों सानू जोश से जज्बा प्राप्त होंदा। गलबात करते हैं कुलबीर वीर जी, ये श्री फतेहगढ़ साहब की धरती है, इतों जोश से जज्बा सानू प्राप्त होंदा है, तुसीं की महसूस करते हो अज इत्थे आए हो? सब तो पहला हर जो भी पंजाब का वासी आ जां पंजाबी आ जां गुरसिख परिवारां दे विच जन्म लैंदा, वह जे अज के दिन जा इना दिना दे विच अगर वह इना शहीदी दिहाड़ियां दे विच इना शहीदी जोड़ मेल दे विच नहीं पहुँचता, मैनू लगता वो बेभागा बंदा वो इस दुनिया का, क्योंकि जिन्हां दे करके अज असीं पगड़ियां बन्नी फिरदे आ, जिन्हां दे करके असीं बंदा सिंह बहादुर वर्गियां दी शहादतां करके जां उहनां दीआं दित्तीआं जमीनां नूं माण रहे हाँ, सरदारियां ते जगीरदारियां नूं असीं सांभ रहे हाँ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਗੋਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਸਜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਲੱਭ-ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਢਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੱਕਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਆ ਜੀ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਚਾਹੇ ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਦੂਜੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਦੇਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਫਰਾਂ ਦੇ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਲਾਲਚਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ 'ਚ ਆਤਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏਗੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਨਿਦਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗਾ,
ता ही तो उन्होंने बाबिया की उपाधि मिली आ कि छोटे बच्चों बाबिया वर्गी अकल की गल करके बाबिया नालों भी सियाणिया नालों भी वड्डी गल करके जाना उस तरीके समझ आउंदी आ वी सतगुर इस धरती ते आईए ते आपां आके समझिए कि असी भी अपने आप नूं नीवा समझ के ते दूजियां दी सेवा करन वास्ते बिना किसी डर बिना किसी भय तो बिना किसी लालच तो जे अगर कम करांगे तां सतगुर तुहाडे नूं इसे तरीके नाल तुहाडियां सारी उम्र लोग तुहानूं याद करनगे सारी उम्र तुहाडियां प्राप्तियां होणगियां सारी उम्र तुहाडे लोग मेले लाउणगे जे अगर तुसीं सिख बिल्कुल अपनी कौम लई अपने लोगों लई कम करेंगे जी। डर ते लालच की गल की गई जो साहबजादे इस धरती से सन वजीर खान की कचहरी के पेश किया गया उन्होंने डरावे तो दिते जी कि भाई एक पासे मौत है दूजे पासे लालच भी दिता गया कि तुहानू जो चाहिए है खजाने तुहाडे भर देंगे तुहानू महल माड़ियां होणगे तुहानू चाहिए की है तुसी एक बार मूँह दे विचों बोलो तुहाडे सामने वो पेश हो जाएगा पर साहबजादे ने की चुने मौत चुनी पर अज का सिख की चुन रहा है तुहानू की लगता है साडी कौम किधर नू जा रही है। साडी कौम पता नहीं मैनू समझ नहीं आई कि असी एक ऐसी जगह पर खड़े हैं इस टाइम स्थिति से खड़े हाँ जिथे असी कौम नू जागरूक होया समझदे हाँ और ऐ लगता कि साड़ी कौम हजे भी जागरूक नहीं हुई क्योंकि अज भी असी उ पॉलिटिक्स उ राजनीति उन्होंने पिंडा दिया गलिया नालिया पिछे ही अज भी इलैक्शन के सपोर्ट करी जा रहे हैं अज भी असी जिहड़ियां 70-75 सालों तो सानू लुटदियां आ रही पार्टियां ने उन्होंने फिर खड़ जाने जां उन्हां दे भाईवाल बन जाने जाके जां उन्हां लई एक नारे मार लग जाने मैनूं समझ नहीं आउंदी भी असी सिख दे की आ जिथे कौम आ बहुत देशों के देशों तो जां होर बहुत सारे धर्मां दे लोक सानू साडी इस टेक्नोलॉजी साड़ी इस धर्म की फलसफे अपना रहे हैं तो असी अपने फलसफे छड़ते जा रहे हैं तो वह भी कि पिछले राजनीतिक लीडर का जी फलसफे की मैं गल याद आई जो साहबजाद कचहरी के पेश किया गया तो सूबे की कचहरी में पेश करने तो बाद कहें एक बारी रखी गई छोटी तक ही ताकि साहबजादे अपना सिर झुका लैन पर उन्होंने फिर भी सिर नहीं झुकाया पहला अपने पैर कटे तो सारी दुनिया नू सूबे नू ये दस दिता कि भाई सिख का सिर जिहड़ा है किसी अगे नहीं झुकता गुरु तो बिना पर अज तुहानू की लगता असीं कित्थे कित्थे अपना सिर झुकाई जा रहे हैं किधर नू टिकदे जा रहे हैं। नहीं असीं सिर असीं तां मतलब इन्ने क कखों हौले हो चुके हाँ असीं तां मतलब ये नहीं सानू तां कोई भी दो इट्टां खड़ियां ऐ कर दो असीं उत्थे ही गिर जांदे हां उत्थे ही लेट जांदे हां असीं क्योंकि अपने स्वार्थां दे भुखे हो गए असीं सिर्फ अपने तो अगे देख नहीं रहे अपने परिवार तो अगे देख नहीं रहे सोच नहीं रहे जे देखो खुशी आई आते घर च खुशियां ने यह सदा नहीं रहनी इन्होंने गम च बदल नहीं बदलना यह घूमती रहती है क्योंकि यह पलट गोला धरती भी गोल सारा सिस्टम गोला इन्हें बदलता रहना सानू माड़ी जी तक खड़ी नहीं हुई असी जदी किसी ना किसी पीर पैगंबर जा किसी ना किसी होर अपने गुरुआ छड़ छड़ के होर पास में जा भज भज के अपने आप को समझते भी असं सेफ हो रहे हैं फिर वह गाहां वाला सामने वाले पता हों भी यह मेरे को आ रहा किसी लालच मैं सिर्फ इनू हले कुछ महीने थापड़ा जहा दे रखना कोई चिंता ही नहीं मैं बैठा मैं कर रहा मैं तेरे लिए कर रहा मैं अरदासा कर रहा वो मोह माया के उधर अलज दे अलज दे अलज दे इन्ना डुबते जाई जाने कि असी अपना आप भी गवा बहने तो साढ़े असी सानू देख देख के साड़िया नवी पनीरियां वो गाहां उन्होंने सीख दिया ने कि मापे साडे पहलों तो ही पीरां दे जांदे दी पहलों तो इन्हां दे जांदे दी वो भी उधर जाना शुरू हो जाते हैं इस तरीके असी आप का बर्बाद होंगे जुड़े अपनी आने वाली नसलों में भी असी गलत राह के पाते जाई जाने सिक्ख्या बिल्कुल एक आखिरी सवाल मैं करदा है बाबा बंदा सिंह बहादुर सिख कौम के वो आगू होए जिन्होंने इस धरती के उपर मुगल राज दी जड़ उखाड़ के इत्थे खालसे राज नू सिख राज नू चुलाया बाबा बंदा सिंह बहादुर ऐसे आगू सन जिन्हां ने जिथे जिथे भी जिस इलाके नू जित्या अगे चलदे गए उत्थे रुके नहीं आम महाराजे बन के नहीं बैठे अज दा आगू तुहानू की लगदा किहो जिहा होना चाहीदा साडे आगूआं दी की स्थिति है असीं साडी कौम दे विच कोई ऐसा आगू है जो कौम नू सही तरीके नाल अगवाई कर सके गुरु ग्रंथ साहिब तां साडे गुरु ही ने सानू यही तो समझ नहीं आती साढ़े आले दुआले एडा क वड्डा जाल बुनिया गया जा चुके आ कि असी किनू सही कहीए किनू गलत कहीए चार दिन बंदा वह सही दिखने लग जाता चार दिन बाद पता लगता भी वह तो उदों भी करप्ट निकलिया उस तो भी ज़्यादा करप्टी आदा पता लगता पर अज के टाइम के एक बार जरूर विचारना चाहिए सोचना चाहिए जिस स्थिति से असी खड़े हाँ पहली गल तो उन्होंने जरूर नकारो जे पिछले 70-75 साल तो अपने आप कदे वो बदल बदल के आते हैं फिर उन्होंने टुट के अपन ही एक नवी नवी पार्टियां बना लेंगे इन्हों तो सू अज के टाइम से बचने की जरूरत आ सू दोबारा जागण की जरूरत आ असी एक साल मोर्चा ला के भी हजे तक असी जागरूक नहीं है साढ़े नाल ही 20-25% लोग सीगे वो लोग जागरूक लोग सीगे जिहड़े उत्थे गए सीगे जिहड़े पहला भी अंधेरे च थी ते अज भी अंधेरे च ने उन्होंने फिर सानू एक माड़ी सरकार चुन के दे देनी आ माड़े लोग चुन के दे देने आ असी जागरूकों का फिर जोर नहीं चलना भी भाई असी की करिए पर अपील आ मेरी भी मित्र प्यारे बहुत तुसी जतन करके देख लिओ बड़ा संघर्ष करके देख लिओ तुसी लखां दी गिणती च अज भी इत्थे आए हाँ पर
कुछ तो सीख के जाइए, क्यों अपनी लुट करा रहे हो? पंजाब सारे नालों तुहाड़ी धरती सारे नालों वधिया, तुहाडा पौण पाणी सब तो वधिया, मैं इंडिया पूरा घूम के देखिया, तुहाडे वर्गी कौम कोई नहीं, तुहाडे जिनी दानी कोई नहीं, फिर भी असी अपनी राजनीतिक पछाण क्यों नहीं बना पाए, राजनीतिक लीडरां दी पछाण क्यों नहीं चुन सके? ऐतकी मौका तुहाडे कोल कुछ चंगे लीडर चुन के पंजाब नूं बचा लो, नहीं अपना पंजाब डुब्बे ही डुब्बिया। 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा जे अगर ना लथिया आने वाले 5-4 सालों के अंदर अंदर साढ़े स्टेट का यह हाल हो जाना कि दिवालिया करार कहने का भाव आ, सरकार दिवालिए आने वाली आ, तुहानू बचाना पैना। जे ऐतकी भी ना जागे हौली हौली 5-4 सालों के आप संभल सकते हैं, पर सरकार चुन की ऐतकी बहुत जरूरी है। सही जगह धन्यवाद इन्ना कहते हुए जी। ठीक है, कुलबीर मुश्काबाद जी साढ़े नाल सन, गलबात कर रहे सन। श्री फतेहगढ़ साहब की पावन पवित्र धरती, वह धरती है जिथे साहबजादिया ने ना किसी लालच के आए ना किसी तो डरे, यही इन्होंने कहा है कि इस धरती तो सानू यही सिक्ख्या लैके जानी चाहिए है कि ना असी किसी तो डरीए ना किसी लालच के आईए, तो एक चंगे समाज की सिरजना भी ता ही की जा सकती है। कैमरामैन गगन भारती के नाल रणदीप सिंह दा अनम्यूट, श्री फतेहगढ़ साहब।